फाइनली पिकनिक का प्लान सक्सेसफुल हो गया और अभी हम लोग निकल चुके हैं कोयलीगोगर के लिए जो कि उड़ीसा में मौजूद है। कोयलीगोगर जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और ये रायगढ़ से 30 या 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आज हमारे इस टूर को लीड कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर डीके प्रधान सर और उनके साथ हमारे कॉलेज के 17 फैकल्टीज एक पिकनिक प्लस एक कॉलेज टूर के लिए निकल चुके हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोयलीगोगर एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, बट उससे पहले आप इन रास्तों को एंजॉय कीजिए जो कि बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये हैं हमारे प्रिंसिपल सर जो कि हमारा वेट कर रहे हैं और बाकी लोगों ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सो लगता है यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी हो रही है। सो अब मैं फटाफट से टेंट लगा लेता हूँ अपना। तो अब चाय बन रही है यहाँ पे। पर ये क्या, ये है सिमरन मैडम और ये है अपना छत्तीसगढ़िया सुपरस्टार। बेचारे को क्या क्या काम करना पड़ रहा है यहाँ पे। काम ये नहीं कर रहे सर, काम मैं कर रही हूँ, वो बैठा हुआ है ऐसे। चाय रेडी हो चुका है, इधर 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 पानी हाँ। हाँ सर, इसको क्या बनेगा? अरे वाह, हाँ आपका भी आ रहा है। ये पैकेट जो है वही का ही लीक कर रहा है। कोई नहीं, चलिए दो जाबाज खिलाड़ी। आज के पिकनिक का सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं ये हमारा विनिम है, ये देव से ना। चलो, बहुत दूर से उन्हें मिस्त्री मंगाया हुआ है। मिस्त्री साहब जी, दीपक सर और लेडीज मिस्त्री भी हैं यहाँ। अच्छा तो नहीं पता है पर वीडियो बहुत अच्छा बनता है। यार यहाँ पे आपको बंदर बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, तो आप अपने खाने पीने के सामान को बहुत संभाल करके रखना पड़ेगा। ये देखो, इनको लग रहा है फोटो ले रहा हूँ इनका। वीडियो बना रहे हो? हाँ। पकड़े रहो अच्छे से, पास रहो। पकोड़ा तो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मशरूम और मिक्स वेज की सब्जी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं कहाँ सर? हाँ आप दोनों बताओ, आपको कैसा लग रहा है? सर सर आप बताइए, आप लिया लेंगे? पहले तो हम लोग को लग रहा था कि बोरिंग सा लगेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर हम लोग नहीं आते तो काफ़ी कुछ मिस कर देते। बस पूरा वर्थ इट है इधर आके। और बहरा जी आपको? बिल्कुल सर, आया है ना, लगा ये तो बोल रहा था मैं तो। अरे कोयली की गट यहाँ पहली बार आए हुए हैं, सही लग रहा है ना जगह? तो कैसा है सर जगह? मिस्टर आकाश गुप्ता यहाँ पे
फ्रेश सब्जी बनाते हुए और नॉन स्ट्राइकर एंड पे चित्तो, साइड एम्पायर हमारे शिवानी मैडम, थर्ड एम्पायर प्रिंसिपल सर। एक बार क्या हुआ था, हम लोग ना नए साल के दिन आए थे, यही मामा घर से आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ था ना, हम लोग को जगह नहीं मिल रहा था, तो हम लोग पहले आ गए थे सुबह से और वहाँ पे रुके थे। ऐसा वाला बना है ना उधर, हम लोग बैठे थे और अपना चटाई दस्ता के रखे थे उधर। तो यहाँ पे हम मछलियों को खाना खिलाएंगे। आओ आओ, ये देखो क्या बात है, आवाज पहचानते हैं मेरी, ये लोग। सो गाइस, पकोड़ा पार्टी में आप सभी का स्वागत है। खा लेते हो पहले, बाद में मिलेना मुझे। प्रिंसिपल सर और आवा मैडम बंदर भगाते हुए, और शिवानी खुश होते हुए। तो आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मशरूम है ये? इसको बोलते हैं पाल छत्ती। कितने का दिया? 40 रुपए किलो है भाई साहब, आपके लिए 375 लगा दूंगा, ले लीजिए। 375 अब कितने का दिया? अब फ्री में ले लीजिए। अरे वाह, सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हुए हमारे दो मैडम यहाँ पे, और लगता है कि सिमरन मैडम को तो बर्तनों से कुछ खास ही लगाव है। तो चलो अब हम अपने प्रिंसिपल सर से कुछ बात कर लेते हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? क्या हुआ, नहीं नहीं निकला? एक दूसरा आ गया तो तुम कभी नहीं निकलते। हाँ ठीक है। तो खाना बन के हो गया है, अब रेडी। अब है वो घड़ी जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। सो फाइनली ये है वाटरफॉल का नज़ारा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ये देख सकते हो आप लोग, इधर से अरे बाप रे, ये देखो कैसे जा रहे हैं लोग, इस तरीके से चढ़ते हुए आएंगे। थोड़ा खराब है यहाँ पे, चलेगा। हाँ आ जाइए। तो मेरे पीछे हैं छत्तीसगढ़ के जाबाज खिलाड़ी चित्रंजन नायक, उनके पीछे हैं रायगढ़ के जाबाज खिलाड़ी दीपक प्रधान, और उनके पीछे हैं लैलुंगा से बहुत ही साहसिक काम करने वाले तो फाइनली हम इस रास्ते से आए हैं। खतरनाक रास्ता है, भैया लोग उतर रहे हैं। जी जी हाँ हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लोगों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये देखो कैसे गंदगी फैलाए हैं लोग। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसे गंदगी नहीं फैलाएं, स्वच्छ भारत।
अभियान को थोड़ा सीरियसली लें। इधर हमारे बहरा जी, ओ बहरा जी, और वहाँ पे छत्तीसगढ़ का सुपरस्टार सचिन। यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। नहाना तो पड़ेगा ना मेरी जान। तो एडवेंचर भरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए चलिए का कार्यक्रम हुआ हमारा समाप्त। तो हम नहाने के बाद वापस जा रहे हैं। तो भी टाइम हो रहा है 2:40 और भूख बहुत तेजी से लग रही है। आराम से चलिए 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 आगे बढ़ते जाइए। जोर लगा के भैया, ओ चढ़ गए आकाश सर। और उधर आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत किया जा रहा है चढ़ने के लिए। चढ़ने के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। जो हाथी जी हैं तो ऐसे चलिए। जय हनुमान। चलिए बहरा सर, चलिए। लेडीज लोग इसमें कैसे चढ़ पाते हो? लेडीज ने बहुत मुश्किल है। रुक जाओ ये पकड़ लीजिए थोड़ा सा। कैसे तो अभी भी स्ट्रगल करते हुए। हाँ हाथ पकड़ो आ जाएगा। वेरी गुड। चलो आगे। अरे बहुत अच्छा, चलो। हम लोग शूटिंग करने जाते हैं कहीं कहीं, तो वहाँ भी ऐसा कुछ करना पड़ जाता है क्योंकि बस पहाड़ पर्वत ये वो खतरा है। कहाँ? कोरबा में। हाँ, कोई सा डैम था वहाँ। डैम नहीं, मतलब ऐसा झरना था। अच्छा, कौन से गाने का शूटिंग? ओके टाइम मेरा जो सेकंड लास्ट सॉन्ग था। अच्छा, इसी के शूटिंग। हाँ, तो ये है सचिन बिस्वाल, ये मेरे ही गाँव का है, मेरा स्टूडेंट है। और इसके बहुत सारे गाने आ चुके हैं। कितने गाने आ गए अभी? अभी ऑलरेडी मेरे 13 गाने आ चुके हैं। 13 गाने आ चुके हैं, गाने आने वाले हैं। वेरी गुड। तो सचिन के 13 गाने आ चुके हैं, और सचिन का जो पहला गाना था वो
अभी तक सुपर डुपर हिट था वो, 40 मिलियन प्लस व्यूज गया उस पे, 40 मिलियन व्यूज पे आ चुका है। सो आप सचिन को, उसका भी यूट्यूब चैनल है सचिन विश्वाल के नाम से, ठीक है, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, और सचिन के जितने फॉलोअर हैं वो मेरे को फॉलोअर फॉलो कीजिए, बिल्कुल आइए और सर के चैनल पे बहुत सारे कंटेंट्स आपको वैरायटी के मिल जाएंगे। अब से मैं डेली बनाने लगूंगा। बहरा सर भी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, बोलिए कुछ। आप कुछ नहीं बोल रहे थे? तो अभी खाना खाने का टाइम है। सब लोग इधर देखो, सर खाना कैसे बने? क्या क्या बने हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। स्पेशल किचन अब हमें बैठने का नाम ही नहीं ले रही है।